जहां तक कोविड-19 का सवाल है, हम ये बहुत ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस कोविड-19 के साथ लड़ने का जो स्ट्रैटेजी, जो तरीका, जो दृष्टि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में की गई है, वह दुनिया में एक मिसाल है। इसको हमको समझना चाहिए। एज फार एज कोविड वॉज कंसर्न, यह एक ऐसी अकल्पनीय संक्रमण था जिसके साथ कभी भी भूतकाल में हम लोगों ने इसके प्रॉब्लम को नहीं देखा था और हमारे को मालूम नहीं था कि इससे कैसे लड़ना है। अगर हम वेस्टर्न देश की बात करें, पाश्चात्य देश की बात करें, जो सामर्थ्यवान थे, जिनके पास स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बहुत ही अच्छी परिस्थिति थी, उनको भी हमने असहाय देखा है, यह हम सबको मालूम है। अमेरिका हो, यूरोप के देश हो, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये देखा कि उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई और उन्होंने अपने आप को असहाय महसूस किया। यही नहीं, स्ट्रैटेजी की दृष्टि से भी देखा जाए तो वह कंफ्यूज रहे, जान बचानी है या इकॉनमी को देखना है। ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में नेतृत्व दिया और यह कहा और देश को फ्रंट से लीड किया और यह शब्द स्पष्ट शब्दों में कहा, जान है तो जहान है। और 130 करोड़ देश को टाइमली और बोल्ड डिसीजन लेकर के लॉकडाउन किया और उस लॉकडाउन के कारण हम 130 करोड़ देश को इस कोरोना संक्रमण से बचा सके और अपनी व्यवस्थाओं को ठीक कर सके, इसको हमको समझना चाहिए। मैं ये बात आपके साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक एक कार्य समिति के सदस्यों को यह बात बिहार की जनता को बताना है कि किस तरीके से हमने कोविड की लड़ाई लड़ी। इस लॉकडाउन की अवस्था में कोविड के साथ लड़ने के लिए देश को तैयार किया गया। आप याद कीजिए कि उस समय हमारे पास एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोविड का नहीं था, और जब लॉकडाउन हटा और आज की डेट में हम देखें तो कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास इस समय डेडिकेटेड हॉस्पिटल 1500 से ज्यादा है, 1500 से ज्यादा डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। उस समय हमारे पास डेडिकेटेड बेड नहीं था, आज 12,50,000 डेडिकेटेड बेड है। उस समय हमारे पास 150 टेस्टिंग सेंटर्स थे। वैसे तो जब कोविड शुरू हुआ तो उस समय हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी और टेस्टिंग फैसिलिटी सिर्फ एनआईवी पुणे में थी, लेकिन उसके साथ साथ फिर 150 टेस्टिंग से फैसिलिटीज बनी। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज मोर देन 2000 है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी आज 10 लाख पर डे हो गई है, जो 1500 हुआ करती थी वो 10 लाख हो गई है, यह हमको समझना चाहिए। हमारे डेडिकेटेड बेड्स जहां 12 लाख है, वहीं 50,000 के आसपास हमारे आईसीयू बेड्स हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें कि इस व्यवस्था के कारण हमारी आज रिकवरी रेट हमारी रिकवरी रेट 74% हो गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरीके से हमने लॉकडाउन की अवस्था में लड़ाई लड़ी है। हमारे पास एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं था, विदेश से मंगवाया जाता था, लेकिन लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने देश के उद्यमियों को प्रेरित करके आज प्रतिदिन 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भारत बना रहा है, इसको हमको समझना चाहिए। 50,000 वेंटिलेटर्स भारत ने बना करके दिए हैं, इसको हमको समझना चाहिए। इस तरीके से देश को तैयार किया गया। और मुझे खुशी है और मैं चाहूंगा कि आप इसकी चर्चा करें कि बिहार में भी आज हमारी रिकवरी रेट 73.48% है और हमारे पॉजिटिव जो केस के दर हैं वो 2.89% आ गया है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मुझे खुशी है कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग जो बिहार में हुई है, लगभग 10 करोड़ डोर टू डोर स्क्रीनिंग की गई है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और जो 35,000 टेस्ट हो रहे थे वो अब 1,00,000 टेस्ट हो रहे हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए कि बिहार ने किस तरीके से अपने आप को ठीक किया है। और मैं मंगल पांडे जी को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार में इस कोविड की लड़ाई में अग्रेसिव होकर के लड़ाई लड़ी है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, यह हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं।
मुझे इस बात की भी खुशी है कि बिहार ने, फिर चाहे वो कोविड हो, फिर चाहे वो बिजली गिरने से लोग हताहत हुए उसकी राहत हो, फिर चाहे हमारे बाढ़ की राहत का विषय हो, आप सब लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया है। और कोविड के दौरान आपने लगभग 1,41,00,000 लोगों का राशन कार्ड धारक को आपने 1,141 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए और उनकी जीवन स्थिति को बदलने का आपने प्रयास किया है, ये बहुत अच्छा योगदान रहा है। उसी तरीके से जो हमारे बाहर में माइग्रेंट लेबरर्स थे उनको भी लगभग 20,00,000 लोगों को आपने 203 करोड़ रुपए की आपने राहत पहुँचाई है। और इसी तरीके से किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए लगभग 12,35,000 किसानों को आपने 417 करोड़ रुपए आपने उनको आर्थिक राशि की सहायता दी है, ये बहुत ही उत्तम काम हुआ है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ।